कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन जहां वर्ड आ जाए इसका मतलब कांस्टेंट, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली न्यूटन का सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो पी इज अ कॉन्स्टेंट, और ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जितने भी आइसोलेटेड सिस्टम हम प्लस वन एंड प्लस टू में यूज करेंगे, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि कौन सा सिस्टम आइसोलेटेड है या नहीं है, तो हम बार बार रो रो डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने लिस्ट तैयार की है, उस लिस्ट को हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम आइसोलेटेड हैं और उन टाइप के न्यूमेरिकल्स में कौन सी क्वेश्चन लगती हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो गन और बुलेट सिस्टम है। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम आएगी कि गन है और गन का मास कितना है M2, और उसके अंदर बुलेट है, बुलेट का मास कितना है M1, दोनों किस पे पड़े हुए हैं, रेस्ट पे पड़े हुए हैं। बुलेट चल पड़ा विद द वेलोसिटी ऑफ V1, गन पीछे आ गई विद द वेलोसिटी ऑफ V2, ठीक। अब क्योंकि मैंने जाके बुलेट को नहीं फेंका, गन को नहीं फेंका, अपने एक्शन रिएक्शन लग रहे हैं, तो दिस सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जब भी बुलेट निकलेगी गन में से, सिस्टम आइसोलेटेड होगा, और आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल या नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब मैं ये बोलता हूं कि नेट मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मेरा ये मतलब होता है कि गोली चलने से पहले मोमेंटम और गोली चलने के बाद मोमेंटम रिमेन्स सेम। चलो गोली को अंदर रखो और चलाना मत, अभी यहीं पर रहने दो। तो बोलो बुलेट गन के अंदर है, तो बताओ बुलेट का मोमेंटम क्या है, जीरो। गन का मोमेंटम क्या है, जीरो। तो गोली चलने से पहले नेट मोमेंटम जीरो, चलो गोली चलाते हैं, गोली चल पड़ी, तो ये बुलेट चली, बोलो मोमेंटम कितना है M1 V1, और गन का मोमेंटम कितना है M2 V2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये बोलता है कि जितना मोमेंटम इनिशियल था जीरो, बुलेट चलने के बाद भी आंसर जीरो ही आना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस गन को पीछे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे का मोमेंटम पॉजिटिव, पीछे का नेगेटिव, डायरेक्शन उल्टी है। तो अगर इसका प्रोडक्ट 10 है, मान लो M1 V1 10 है, तो ये -10 है, ताकि 10 और -10 आंसर क्या देगा आपको, जीरो। तो ये रूल समझ में आया कि ये पीछे क्यों आ रहा है, पीछे इसलिए आ रहा है क्योंकि नेट मोमेंटम पहले क्या था, जीरो। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट मोमेंटम फिर से क्या जाएगा, जीरो। इसलिए जब बुलेट आगे चलती है, गन को पीछे जाना ही होता है विद सेम मोमेंटम, ताकि नेट इफेक्ट क्या हो जाए, फिर से जीरो। तो आप जब इस टर्म को यहां लेके आओगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी जो आप सीख के आए 9th में, M1 V1 is M2 V2। पर आपको सिर्फ यही सिखाया, आपको ये नहीं सिखाया, और ना ही आपको आइसोलेटेड सिस्टम सिखाया। पर आपको समझ में आ रहा है कि ये कहां से आ रही है चीज, तो हाँ, जब न्यूमेरिकल आएगा सीधा लगाएंगे M1 V1 M2 V2। तो इसके अंदर मैंने स्केलर में वैल्यूज लिखी हैं, मैंने सिंपल बोला ये 10, ये -10 कैंसिल। लेकिन अगर यही चीज वेक्टर में करें, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मेथड 2, अगर वेक्टर में करना है, बुलेट चलने से पहले बुलेट और गन का मोमेंटम क्या, जीरो। बुलेट चला विद द मोमेंटम ऑफ M1 V1 वेक्टर, तो गन पीछे जाएगी विद द मोमेंटम ऑफ M2 V2 वेक्टर। यहां पर नेगेटिव नहीं लगाना, जब आप स्केलर यूज करते हो तो आप नेगेटिव लगाने पड़ते हैं, ये बताने के लिए कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। वेक्टर में तो वेक्टर खुद ही डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या है, वैल्यू एंड डायरेक्शन इटसेल्फ। तो आपने ये बोलना है इन दोनों का वेक्टर सम आंसर क्या देगा, जीरो। तो आपने यहां वेक्टर जब लगाना होता है तो नेगेटिव नहीं लगाना, तो आपके पास सीधा क्या आएगा, M1 V1 वेक्टर इज -M2 V2 वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ये मोमेंटम वेक्टर है बुलेट का और ये गन का। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव वेक्टर, याद है नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऑपोजिट साइन शो करता है। पर हम अपना काम वेक्टर में करते नहीं है, वैसे हम अपने न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो M1 V1 M2 V2 से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। पर हाँ, वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए, वो मैंने बता दिया, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा अपन वैसे ही करेंगे, M1 V1 M2 V2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहला आइसोलेटेड सिस्टम है, और मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाना है इस आइसोलेटेड सिस्टम में, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपके पास एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब पड़ा था यहाँ पे, और बॉम्ब फट गया, एक्सप्लोड हो गया, और बॉम्ब दो हिस्सों में फट गया, एक मास M1 मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ V1 इस तरफ, तो दूसरे टुकड़े को इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा,
बॉम्ब जब फटता है कैसे फटता है? मैं बॉम्ब के पास जाता हूँ, बॉम्ब को तोड़ता हूँ दो टुकड़े, एक को ऐसे फेंकता हूँ एक को ऐसे फेंकता हूँ, ऐसे होता है? नहीं। बॉम्ब के पास जाता कौन है? कोई भी नहीं। बॉम्ब नेचुरली फटता है, अंदर एनर्जी अपने आप एक्सप्लोजन होता है, उसकी स्टोर्ड एनर्जी बाहर आती है। तो एक टुकड़ा अपने आप इधर जा रहा है तो दूसरा अपने आप उसके ऑपोजिट जाएगा ही जाएगा, तो मैंने जाके फोर्स तो नहीं लगाई। दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब भी बुलेट चलेगी गन में से, अंडरस्टूड है, सोचना ही नहीं, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड होगा दो टुकड़ों में, सोचना ही नहीं, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो बॉम्ब के फटने से पहले मोमेंटम और बॉम्ब के फटने के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। बॉम्ब के एक्सप्लोजन से पहले दो टुकड़े थे, दोनों किस पे पड़े हुए थे? रेस्ट पे। तो टोटल मोमेंटम क्या? जीरो। बॉम्ब फट गया, एक का मोमेंटम m1v1, दूसरे को एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आना ही पड़ेगा विद सेम वैल्यू, ताकि अगर ये मान लो 10 है तो ये -10 है, ताकि नेट आंसर फिर से क्या जाए? जीरो। वही बुलेट वाला सेम एग्जांपल हो गया इसमें भी, क्योंकि इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी क्या आना पड़ेगा? जीरो। और वो जीरो तभी आएगा जब m1v1 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? m2v2, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आज के बाद अगर कोई बॉम्ब फटता है दो हिस्सों में तो बिना सोचे लगा देना m1v1 इज m2v2। क्लियर है? तो गन में से बुलेट का निकलना, बॉम्ब का दो टुकड़ों में फटना, दो थर आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों में मोमेंटम कंजर्व होगा, दोनों में सेम इक्वेशन लगेगी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। दो एग्जांपल्स क्लियर हैं। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, बॉम्ब एक्सप्लोजन कितने टुकड़ों में हो गया? तीन टुकड़ों में हो गया। बॉम्ब एक्सप्लोजन तीन टुकड़ों में हुआ। तो ये बॉम्ब पड़ा था, एक पीस चला गया एक्स एक्सिस, एक चला गया वाई एक्सिस, तीसरे को हर हालत में यहां आना ही पड़ेगा। रीजन, जब ये आफ्टर एक्सप्लोजन, ये m1v1 एक टुकड़े का मोमेंटम, ये दूसरे का मोमेंटम, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम क्या होगा? इनका ये मोमेंटम होगा, दैट इज इसका स्क्वायर का अंडर रूट। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये नेट मोमेंटम आ गया, राइट? तो इन दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम यहां आ गया, तीसरे पार्टिकल को इसके ऑपोजिट जाना ही पड़ेगा। उसका रीजन, जब बॉम्ब नहीं फटा था तो टोटल मोमेंटम क्या था बॉम्ब का? जीरो। जब वह फट गया तो दो पार्टिकल का नेट मोमेंटम इतना है, तीसरे को एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट लाना पड़ेगा ताकि दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल होने के बाद नेट आंसर क्या दें? जीरो। लेफ्ट हैंड साइड जीरो तो राइट भी क्या आना चाहिए? जीरो। और जीरो कब आएगा? जब ये दो बॉल्स, दो पार्टिकल्स का मोमेंटम है, तीसरा पार्टिकल एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करके वैल्यू 10 आती है तो इसको सॉल्व करके आंसर -10 आएगा, ताकि 10 और -10 आंसर फिर से क्या देगा? जीरो। तभी नेट मोमेंटम जीरो आएगा। तो तीसरे पार्टिकल को एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाना है, और m3v3 इधर ले आओ, फिर न्यूमेरिकल जब आएगा तब की तब देखेंगे। पर आपको रूल समझ में आ रहा है कि जब बॉम्ब दो हिस्सों में फटेगा m1v1 m2v2, जब तीन में फटेगा एक पार्टिकल इधर एक इधर, तो तीसरे को इधर जाना पड़ेगा ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट को कैंसिल करने के लिए वेक्टर हो और नेट आंसर फिर से क्या आ जाए? जीरो, राइट? तो अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि नया क्वेश्चन आ गया अब आप सोच रहे हो यार क्या कैसे लगाएं मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसा नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इस लिस्ट जो मैंने तैयार की, क्वेश्चन इसी में से आना है। तो अब वो लगानी कैसी है क्वेश्चन, ये तो मैं थ्योरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है, अगली शीट न्यूमेरिकल है, तो ये सारे रूल हम न्यूमेरिकल में लगा के देखेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आज के बाद अगर एक गन में से बुलेट निकले, आइसोलेटेड सिस्टम, बॉम्ब दो हिस्सों में फट जाए, आइसोलेटेड सिस्टम, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बॉम्ब तीन में फट जाए, आइसोलेटेड सिस्टम, बॉम्ब चार में पांच में एन में फटे, आइसोलेटेड सिस्टम। चार पांच एन मुझे करना नहीं आता, उसमें बहुत वेक्टर इन्वॉल्व होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो पार्टिकल, मैक्सिमम तीन पार्टिकल, बस इसके ऊपर चार पार्टिकल नहीं आता, ठीक है? यहां तक हो सकता होगा, हमने नहीं करना, आएगा नहीं। अगला एग्जाम्पल, बॉल्स का आपस में टक्कर खाना, कोलिजन बताया मैंने, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये भी याद रखना, बॉल्स का आपस में टक्कर खाना, कोलिजन होना जिसे बोलते हैं, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो कोलिजन के मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर कोलिजन का है। आप मानोगे आपका कम से कम 30-40% कोलिजन का चैप्टर इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो जब वो कोलिजन स्टार्ट होगा, आपको कोलिजन ईजी लगेंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज कर रखी होगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, स्टार्ट यहीं से करूंगा कोलिजन भी,
ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या किया था, तो इजी लगेगा आपको। तो कोलिजन 1D में, कोलिजन 2D में। 1D क्या होता है? 1D में ये है कि इनिशियली बॉल्स एक्स एक्सिस पे मूव कर रही थी, इनकी टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद इनकी वेलोसिटी u1 u2 की जगह क्या हो गई? v1 v2 हो गई। टक्कर से पहले u1 u2 है, टक्कर के बाद v1 v2 है, क्लियर हो गया, और मूविंग एक्स एक्सिस नहीं है। तो दिस इज नोन एज कोलिजन इन 1D। तो कोलिजन होना, मैंने तो टच नहीं किया, अपने आप बॉल्स आ रही हैं, अपने आप सेपरेट हो रही हैं, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, ठीक। तो इसमें जीरो नहीं, इसमें ऑलरेडी इनिशियल मोमेंटम होगा, रेस्ट पे नहीं पड़ा हुआ। तो इसमें इन कोलिजन से पहले दोनों बॉल्स का नेट मोमेंटम कितना है? m1 u1 plus m2 u2। कोलिजन के बाद नेट मोमेंटम कितना है? m1 v1 plus m2 v2। तो m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 u2। तो नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद विल रिमेन सेम। तो आज के बाद बुलेट चलेगा, मोमेंटम कांस्टेंट। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, मोमेंटम कांस्टेंट। दो बॉल्स की टक्कर होगी, मोमेंटम कांस्टेंट। पर किसमें कैसी इक्वेशन लगानी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो, ये तो आपको याद हो गया, दीज ऑल आर आइसोलेटेड सिस्टम, पर हर में इक्वेशन लगाने का तरीका देख रहे हो कैसा है। हर में इक्वेशन लगाने का तरीका डिफरेंट, यही आपको सीखना है कि किसमें कैसी इक्वेशन लगेगी, ठीक है यहां तक। फिर मान लो कोलिजन इन 2D, 2D किसे बोलते हैं? आप पूल टेबल लो, पूल लो, बॉल्स हैं, तो एक बॉल पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, एक बॉल जाती है दूसरी बॉल को टक्कर मारती है, इधर जा रही है किधर जा रही है, तो एक टेबल पे इधर जा रही है किधर जा रही है, कैरम है, आप स्ट्राइकर मारते हो तो वो गिर जाती है, तो एक इधर उधर जा रही है, ऐसा करते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये 2D मोशन है। तो यही है, दो बॉल्स हैं, तो एक बॉल आ रही है, सामने बॉल को टक्कर मारती है, इधर एक इधर। अब ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ बॉल्स का, फोटो खींच के यहाँ लगा दी, तो मतलब ये ना सोचें कि बॉल उड़ रही है, ये टेबल के ऊपर ही है, ये टॉप व्यू है टेबल का, इमेजिन कर पा रहे हो? कई लोग सोचते हैं वेट नीचे है, वेट नहीं है, टेबल के ऊपर ही मूव कर रही है, बस ये पैनल ऐसे की जगह ग्राउंड पर रख देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा कि देखो टेबल के ऊपर है, दिखा नहीं सकता ना ग्राउंड पर रख के, तो ये ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक। तो क्वेश्चन ये है कि बॉल आती है m1 विद द वेलोसिटी ऑफ u, सेकेंड बॉल किस पे पड़ी हुई है? रेस्ट पे, टक्कर होती है, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ v1, सेकेंड मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ v2, मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 एंड θ2, क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। आगे अब क्योंकि मोमेंटम, ये 2D, कोई भी क्वेश्चन जब 2D का होता है ना, उसमें रूल एक ही है, 1D में कन्वर्ट करना, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। टेंशन टेढ़ी है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, वेलोसिटी टेढ़ा है, थीटा एंगल वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, यहाँ पर मोमेंटम टेढ़ा है, m1 v1, तो m1 v1 कॉस थीटा 1, m1 v1 साइन थीटा 1, m2 v2 में m2 v2 कॉस थीटा 2, m2 v2 साइन थीटा 2, क्लियर है यहाँ तक। तो मोमेंटम के कॉम्पोनेंट्स हो गए। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 2D का क्वेश्चन है, 2D को क्वेश्चन में टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोलिजन है तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट होना ही होना है। तो अब टोटल मोमेंटम यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, क्योंकि 2D है, एक्स में अलग, वाई में अलग। तो मोमेंटम कांस्टेंट में एक्स का मोमेंटम अलग कांस्टेंट होगा, वाई का मोमेंटम अलग कांस्टेंट होगा। मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे। यानी कि एक इक्वेशन मोमेंटम कांस्टेंट की किस में लगेगी? एक्स में लगेगी, और दूसरी इक्वेशन मोमेंटम कांस्टेंट की किस में लगेगी? वाई में लगेगी। चलो पहले x में लगाते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ x एक्सिस, तो आपने सारे मोमेंटम किस में देखने हैं? ओनली अलोंग x एक्सिस। और जब मैं बोलता हूँ y एक्सिस, तो सब कुछ किस में देखना है? y में। चलो स्टार्ट करते हैं। कोलिजन होने से पहले टक्कर से पहले इस बॉल का मोमेंटम x में कितना है? m1 u x में, क्योंकि तो ऑलरेडी x में मूव कर रहे हैं, तो m1 u। ये बॉल किस पे है? रेस्ट पे, तो इसका मोमेंटम क्या है? जीरो। टक्कर से पहले मोमेंटम समझ में आ गया, कोलिजन से पहले मोमेंटम समझ में आ गया, अच्छा कोलिजन के बाद इस बॉल का मोमेंटम एक्स में कितना है? m1 v1 cos थीटा 1, और इस बॉल का कितना है? m2 v2 cos थीटा। तो m1 v1 cos थीटा 1, m2 v2 cos। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो एक्स की मोमेंट इक्वेशन क्लियर है मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब किसकी लगेगी? y की। अब y एक्सिस में फिर से एक बार शुरू कर, टक्कर से पहले y का मोमेंटम, टक्कर के बाद y का मोमेंटम विल रिमेन सेम। अच्छा, टक्कर से पहले
इस बॉल का मोमेंटम वाई में कितना है बोलो, है ही नहीं, क्योंकि इसकी मूवमेंट कहां पर थी, ओनली अलोंग एक्स, वाई में तो मूवमेंट नहीं थी, तो बोलो इसका मोमेंटम क्या वाई का, जीरो। ये ऑलरेडी रेस्ट पे थी तो इसका मोमेंटम भी क्या, जीरो, दोनों जीरो, वाई में मोशन थी नहीं टक्कर से पहले, टक्कर के बाद इसका मोमेंटम वाई में कितना एम वन वी वन साइन थीटा वन, और इसका मोमेंटम कितना एम टू वी टू साइन थीटा टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट को भी क्या आना चाहिए, जीरो, तभी मोमेंटम कांस्टेंट माना जाएगा कि भाई टक्कर से पहले मोमेंटम जीरो, टक्कर के बाद मोमेंटम जीरो, तो टक्कर से पहले मोमेंटम जीरो, टक्कर के बाद ये अगर ऊपर है तो इसको नीचे होना पड़ेगा और इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। कई लोग ऐसे समझ नहीं पाते, ऐसे समझ लें, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल, इसका मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल, ताकि नेट इफेक्ट क्या आ जाए, जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये 2D का जो कोलिजन मैंने सिखाया ये इस चैप्टर में यूज नहीं होगा, यूज नहीं होता, ये कोलिजन चैप्टर में यूज होगा, पर मैं ऐसा समझता नहीं हूं कि मैं जब कोलिजन स्टार्ट करूंगा फिर मैं कहूंगा यार एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे रह गया था, उस दिन हमने चार कर लिए थे, पांचवा ये नोट करो, आप कहोगे यार और कितने रह गए तो बता दो पहले, इस वजह से मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी। तो ये आपको अभी चाहिए नहीं होगा, जब चाहिए होगा तब मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इसे, बट हाँ दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम और इसमें मोमेंटम कैसे कांस्टेंट करना है ये मैंने आपको सिखाया, हालांकि इसकी एप्लीकेशन इस चैप्टर में है नहीं अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो ना आप प्लीज़ यहाँ पर नोट कर लें, या नोट करें, एक कोलिजन का एग्जांपल और ले रहा हूँ, वो यहाँ पर रह गया मुझसे, लिखें प्लीज़। सपोज एक बॉल जिसका मास एम वन, मान लो एक बॉल जिसका मास एम वन एंड मूविंग विद यू वन, सेकेंड बॉल M2 टू लाइंग एट रेस्ट, इन दोनों की कोलिजन हो जाती है, कोलिजन हो जाती है एंड दे बोथ स्टिक टुगेदर, क्वेश्चन में गिवन होगा, दोनों आपस में चिपक जाते हैं, फाइंड चिपकने के बाद कॉमन वेलोसिटी, क्वेश्चन आएगा इनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो M1 ने M2 को हिट किया, चिपचिपी बॉल्स थी, सेपरेट ही नहीं हुई, चिपकने वाला मटेरियल था, टक चिपक गया, इकट्ठे चल पड़े दोनों, तो फाइंड कॉमन वेलोसिटी, अब इकट्ठे चल रहे हैं तो वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये कोलिजन का ही पार्ट है तो टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का मोमेंटम बोलो कितना है, एम वन यू वन प्लस जीरो, रेस्ट पे है, और टक्कर के बाद कोलिजन के बाद मोमेंटम बोलो एम वन प्लस एम टू इंटू वी, तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी निकालने का ये तरीका रहेगा, दिस इज दी आंसर। तो कल को कोई न्यूमेरिकल ऐसा आएगा पता होगा कि ये लगाना है, राइट? तो क्लियर है, अभी हम शीट करेंगे उसमें लगा के देखेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मोमेंटम की इक्वेशन कैसे लगेगी, कोई डाउट इसमें? मतलब एक बॉल आ रही है, इसको टक्कर मारेगी रेस्ट पे, चिपक जाएंगे, इकट्ठे चल पड़े, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। तो कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम एम वन यू वन, इसका जीरो, कोलिजन के बाद इनका कॉमन मोमेंटम एम वन एम टू इंटू इक्वेट कर दो आंसर, तो ऐसी इक्वेशन लगेगी, ठीक है? इसे नोट कर लेना, मैं एग्जाम्पल अभी करवाऊंगा इसके, ठीक है? लास्ट एग्जाम्पल है बोट और मैन प्रॉब्लम। बोट होगा या ट्रॉली होगी, मैन आगे मूव करेगा, बोट पीछे आएगी। अब ये कैसे लगेगा इसमें जरा ध्यान से देखना। इसके अंदर सबसे पहली चीज, जहां ये बॉक्स बना हुआ है ना, जहां ये बॉक्स बना हुआ है वहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करो इसके सामने, ये वाला डायग्राम। तो ये बोट M2, ये मैन है M1, मूविंग विद VM, और बोट पीछे आएगी VB। ये डायग्राम बनाओ प्लीज, इसके सामने, इसके बॉक्स के सामने बनाना,
और ये भी एरो बना लेना, एरो ये शो करता है कि इस बॉक्स का ये डायग्राम है, ताकि ये ना लगे कि और थ्योरी, इस बॉक्स के सामने डायग्राम है। पहला रूल, रूल नंबर वन, दो फॉर्मूले करने हैं बस आपने, प्रूफ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, करने आपने फॉर्मूलाज हैं। क्या फॉर्मूलाज? अगर एक बोट है, कोई पानी की फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, और ये मैन है, मैन पहले रेस्ट पे था, बोट भी रेस्ट पे थी, कोई नहीं चल रहा, तो दोनों का मोमेंटम इनिशियली क्या? मैन चल पड़ा आगे विद अ मोमेंटम ऑफ एम वन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन। जब मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड, ग्राउंड। तो ये मोमेंटम है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, बोट को पीछे जाना ही पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब साइन नेगेटिव, पीछे जाने का मतलब साइन नेगेटिव एम टू इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, ताकि नेट मोमेंटम क्या आ जाए? जीरो। क्लियर है यहाँ तक? पहले दोनों नहीं चल रहे तो मोमेंटम जीरो, तो एक मैन चला आगे तो बोट कहाँ गई? पीछे, ताकि नेट आंसर जीरो। वही वही बुलेट चला, गन पीछे सेम ही तो है। तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, क्या स्टेप क्लियर है? ये तो क्या है, देखो एम वन वी वन एम टू वी टू, क्या ये रूल क्लियर है? एक चीज़ याद रखना, बोट वाली प्रॉब्लम दो तरीके से पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, एनसीईआरटी में नहीं आएगी। बोट वाली प्रॉब्लम दो तरीके से पूछी जाती है। पहला तरीका, आपको पहला जो मैन है ना, मैन इसकी वेलोसिटी दी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर बोट की वेलोसिटी दी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन की भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डायग्राम मैंने बना के दिखाया, तो आप न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन लगा लेना, एम वन वी वन एम टू वी टू, डन। क्लियर है यहाँ तक? सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देगा, वो कहेगा फिर से सेम एग्जाम्पल है, इस बार मैन की वेलोसिटी दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बोट, और बोट की वेलोसिटी वी बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इक्वेशन क्या लगेगी? अब इक्वेशन चेंज हो जाएगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मैन की वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इस एग्जांपल में मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बोट। क्लियर है यहां तक? अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपल है। अब एक काम करें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट, अब वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे आ जाएं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट को कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में? वी एम वैक्टर माइनस वी वी वैक्टर, यही रूल था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एम का स्क्वायर वी बी का स्क्वायर माइनस टू वी एम वी बी इन टू, मैन इधर जा रहा है बोट इधर जा रही है, एंगल बिटवीन दैम इज 180, 180 कॉस 180 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आंसर। तो यह आंसर आ जाता है, यहां से मैन की वेलोसिटी क्या आएगी? वी एम बी माइनस वी बी। क्लियर है यहां तक? अब
आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, वैलिड है, ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कब लगती है, जब मैन की वेलोसिटी गिवन होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर हमें क्या गिवन है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट। एक काम करो, वीएम की वैल्यू को, पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो, इस वीएम की जगह ये पूरे का पूरा रिप्लेस कर दो। तो ये क्वेश्चन आ गई, देखो रिप्लेसमेंट कर दी, इसे ओपन किया, इस टर्म को राइट पे ले गए, तो ये क्वेश्चन आ गई। आपने ये प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना, इस बॉक्स के सामने एक और डायग्राम बनाओ। आपने क्या करना है बताता हूं, एक और डायग्राम बनाओ, ऐसे बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। मतलब अगर आपके किसी क्वेश्चन में मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट आ जाए, ठीक, तो आपने ये इक्वेशन लगानी है, m1 into मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट इज m1 plus m2 into वेलोसिटी ऑफ बोट। तो आपको दो केस पता लग गए, अगर तो मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है फिर तो ऊपर वाली इक्वेशन, और अगर विद रिस्पेक्ट टू बोट है तो फिर नीचे वाली इक्वेशन। अब ये आपको देखना है क्वेश्चन के अंदर कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विद रिस्पेक्ट टू बोट है। तो आपने इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना, दो फॉर्मूलाज करने हैं, दो फॉर्म मैंने आपको बता दिए, कब कौन सा लगेगा समझ में आ रहा है, ठीक। बाकी क्वेश्चन में देखेंगे तो या तो पहला फॉर्मूला लगेगा या दूसरा लगेगा, सिंपल, और कोई नहीं लगेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लेंगे, प्रूफ जो मैंने लिखा वो आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे इसमें, ठीक।